नमस्ते बच्चों, आज हम शुरू करेंगे रोहिणी हिंदी व्याकरण अध्याय एक भाषा। इसमें हमें इस कहानी के बारे में समझना है कि इसमें दिया क्या है। आखिर पिताजी मुझे यह आइसक्रीम दिला दीजिए। यहाँ एक लड़की है और एक उसके पिताजी हैं जो आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, हमें वो समझना है। यह लड़की अपने पिताजी से आइसक्रीम मांग रही है, तो पापा क्या कहते हैं, हाँ बेटी मैं तुम्हें यही आइसक्रीम दिलाऊंगा, पिताजी ने ये बेटी से कहा। अब हम इसी पिक्चर्स को ध्यानपूर्वक समझेंगे। छोटी लड़की ने आइसक्रीम के बारे में बोलकर बताया। छोटी लड़की ने पिताजी को आइसक्रीम के बारे में बोलकर बताया और पिताजी ने उसकी बात सुनकर समझी। पिताजी ने उसकी बात कैसे समझी, सुनकर। इसी को हम भाषा कहते हैं, बोलकर किसी चीज़ को अपनी बोलकर बताना और सुनकर समझना, इसे हम भाषा कहते हैं। भाषा बातचीत करने का एक साधन है। जैसे मैं आपको वीडियो के ज़रिए आपसे बात कर रही हूँ, आप वहाँ से इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो ये क्या है, एक बातचीत करने का साधन। बोलने तथा सुनने का ढंग ही भाषा कहलाता है। इस बॉक्स में क्या लिखा है देखिए, सावधान आगे खतरा है। अब हम यहाँ इसको देखेंगे, ये हमने जो सावधान आगे खतरा है इसके बारे में ये दोनों बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे हैं। अमन वह देखो क्या लिखा है। अब इस बच्चे ने अमन से कहा कि देखो वहाँ क्या लिखा है, वहाँ लिखा है सावधान आगे खतरा है। अमन क्या कह रहा है कि वहाँ लिखा है सावधान आगे खतरा है। अब इस पिक्चर के हम ध्यान से देख कर समझेंगे। लड़के ने बात पढ़ कर समझी, इस लड़के ने इसे प्रश्न पूछा और इस लड़के ने इसे पढ़कर समझा। बोर्ड पर बात लिखकर समझाई गई है। बोर्ड पर क्या लिखा गया है, कोई एक वाक्य लिखा गया है जिसे हमें पढ़ने पर उसे समझ में आता है कि वो क्या लिखा है, तो बोर्ड पर बात लिखकर समझाई गई है। हम अपनी बात दो तरह से कह सकते हैं, बोलकर या लिखकर। जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगी, राम एक लड़का है, लड़का है, तो आपने इसको कैसे समझना है, राम एक लड़का है। आपने इसको कैसे समझा, आपने इसको पहले पढ़ा और फिर इसको समझा। उसी तरह हम अपनी बात दो तरह से कह सकते हैं, हम दो तरह से कहते हैं, बोलकर लिखकर। जब हम लिखकर कुछ बात बताते हैं तो दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, जब हम कुछ लिखकर बताते हैं तो सामने वाला उसे पढ़कर समझता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बोलने सुनने और लिखने पढ़ने का ढंग ही भाषा कहलाता है। ओके, बोलने सुनने और लिखने का ढंग ही भाषा कहलाता है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि। हम भाषा का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से करते हैं। भाषाएं बहुत सारी होती है, जिसमें हम किस तरह से उसे दो उसके प्रकार होते हैं, जिन्हें हम मौखिक भाषा या लिखित भाषा, ये दो तरीके से हम समझते हैं, लिखकर, बोलकर और लिखकर। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं तथा दूसरा व्यक्ति हमारी बात सुनकर समझता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। बोलकर हमने बताया, सामने वाले ने सुनकर समझा, उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। और आगे देखिए, ये दो गर्ल्स क्या बातें कर रही है, दो लड़की आपस में बातें कर रही है। कल मेरे भाई का जन्मदिन है, तुम्हें ज़रूर आना है, इस लड़की ने बोलकर इस लड़की को समझाया। अब हम यहाँ पर इसे मौखिक भाषा कहेंगे। अब लिखित भाषा क्या होती है, जब हम अपने विचार लिखकर दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं। लिखकर हमने कोई चीज़ लिखी और दूसरे व्यक्ति को बताई तो क्या होगा, और वह पढ़कर हमारे विचारों को समझता है। जब हमने उस चीज़ को लिखा है तो सामने वाला उसे पढ़ेगा और फिर उसको समझेगा, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा। इसी तरह से कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। कुछ आवाज़ें होती है, जैसे कि कुछ पशु पक्षियों की ध्वनियाँ आवाज़ें, चिड़िया ची ची करती है, सभी जानते हैं चिड़िया कैसी आवाज़ करती है, ची ची। तो वो जो ची ची आवाज़ है वो उसकी बोलने की क्षमता। ना कुत्ता भौं भौं करता है, भौं भौं करके वो
समझाता है कि हाँ भाई मुझे भूख लगी है या मुझे प्यास लगी है। कौवा काव काव करता है, कौवे की आवाज कैसी काव काव होती है, वैसे ही बकरी मैं मैं करती है। कबूतर गुटर गु करता है, शेर दहाड़ता है और कोयल कुहू कुहू करती है। इस तरह से ये आवाजों को सुनकर हम समझते हैं कि ये किस पक्षी की आवाज है। आपने यहाँ तक आज इसको सिर्फ पढ़कर समझना है, आगे का हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।